गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल 5 सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन, इन विच वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक द ई-कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। इंटरनेट कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड क्रिएटेड अ वे टू स्टील प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कैश टू इंफॉर्मेशन। Rob a bank is difficult than rob people remotely। जैसा कि सीडी को लोकल रिकॉर्ड स्टोर से चुराना डिफ़िकल्ट है, बजाय इसके कि वो फ्री में इंटरनेट से बिना रिस्क के डाउनलोड कर लें। बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लाइक फ्रॉडलेंट ऑर्डर देना ऑनलाइन मर्चेंट को, ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना, ई कॉमर्स साइट को शट डाउन करना सॉफ्टवेयर वायरसेस के थ्रू। साइबर क्राइम्स कॉस्टली होते हैं बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही। इसके लिए बिजनेस मैनेजर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिक्योरिटी इक्विपमेंट और बिजनेस प्रोसीजर्स में इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, साइबर क्राइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गया है ऑर्गेनाइजेशंस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही। सोशल नेटवर्क में भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बजाय इसके अटेंशन साइबर क्राइम को दिया जाता है। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल क्राइम कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनी हेजिटेट करते हैं इस डर से कि कहीं वो कस्टमर का ट्रस्ट ना खो दें। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और फिशिंग अटैक्स मोस्ट हाई प्रोफाइल फॉर्म है ई कॉमर्स क्राइम के। और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, लाइक बूट नेटवर्क्स, DDoS अटैक्स, ट्रोजन्स, फिशिंग, डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड स्पाईवेयर। आगे इन सबको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं द अंडरग्राउंड इकोनॉमी मार्केट प्लेस, द वैल्यू ऑफ स्टोलन इंफॉर्मेशन। क्रिमिनल्स जो कि इंफॉर्मेशन चुराते हैं, वो हमेशा अपने यूज़ की जगह वो इंफॉर्मेशन किन्हीं और को, जिनको अंडरग्राउंड इकोनॉमी सर्वर कहा जाता है, उनको दे देते हैं। उसका एग्जांपल है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराना। बहुत सारे साइबर क्राइम वेबसाइट को डिस्ट्रप्ट कर देते हैं। ई कॉमर्स साइट पर हर बार नई तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं। What is good e-commerce security? E-commerce merchant और consumer बहुत सारे problem को face करते हैं। Consumer जो कि product खरीदे ही नहीं, उनको उनके लिए pay करना पड़ता है। Merchant जो कि product sell किए हैं, उन्हें payment ही नहीं मिला या fraudulent instrument के through payment मिला। गुड सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरत है सेट ऑफ लॉज, प्रोसीजर्स, पॉलिसी और टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि प्रोटेक्ट कर सके ई कॉमर्स कंज्यूमर और मर्चेंट को। जो लॉज, प्रोसीजर्स, पॉलिसी, ये सारे हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में इन डिटेल कवर करेंगे इन सबको। डायमेंशंस ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दिख रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है, वो अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू चेंज हुआ नहीं होना चाहिए। दिस मीन्स वो सारा इंफॉर्मेशन ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू ही दिखना चाहिए।
नॉन रेप्यूटेशन, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स जो कि कंज्यूमर है, डिनाई ना करें ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बहुत बार लोग फ्री ईमेल अकाउंट यूज़ करके ऑर्डर कर देते हैं और फिर बाद में डिनाई कर जाते हैं। ऑथेंटिसिटी, आइडेंटिफाई करना पर्सन और एंटिटी जो कि डीलिंग किए हैं आपके साथ इंटरनेट के थ्रू, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी पर्सन को जाना चाहिए जो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आप मर्चेंट को देते हैं उनमें जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही उस डेटा को देख सके। प्राइवेसी की बात करते हैं, कंज्यूमर के इंफॉर्मेशन को कैसे संभाल के रखना है ताकि डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। अवेलेबिलिटी, ई कॉमर्स साइट कंटिन्यूस फंक्शनल रहे, ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ही वेबसाइट को शट डाउन कर दिया जाता है कुछ वायरस वगैरह के थ्रू। द टेंशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड अदर वैल्यूज, कंप्यूटर सिक्योरिटी ओवरहेड के साथ ही बिजनेस ऑपरेशंस का एक्सपेंस भी बढ़ा देता है। क्रिमिनल्स को नया अपॉर्चुनिटी भी मिलता है ताकि वो अपने इंटेंशन और क्राइम को छिपा सके। ईज ऑफ यूज़ की बात करते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जहाँ डर रहता था रॉबिंग का, सिक्योरिटी गेट्स लगाए जाते थे जिनसे ऑर्डिनरी कस्टमर्स कम ही आ पाते थे, वैसे ही ई कॉमर्स साइट पर बहुत सिक्योरिटी लगाने की वजह से साइट को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, साथ ही साइट स्लो हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि बहुत बार ही अगर आप अपने सिस्टम में बहुत हैवी एंटीवायरस लोड कर देते हैं तो वो सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो कर देता है। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी एंड द क्रिमिनल यूजेस ऑफ द इंटरनेट, बहुत सारी इंटरनेशनल क्राइम ग्रुप्स होती हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट से इंफॉर्मेशन चुरा कर किन्हीं और को रीसेल कर फाइनेंशियल फ्रॉड करवाने में मदद करती हैं। और भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं इंटरनेट को यूज़ करके, जैसे कि इनक्रिप्टेड फाइल सेंट वाया ईमेल फॉर बॉम्बिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएस, ट्रांजैक्शन के पर्पस से ई कॉमर्स साइट और कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन रखना, ये सब का सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।